Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony LIV app डाउनलोड करें. Sony LIV. We live to entertain. बहुत परेशान किया चूजा तूने. हम दिखाते हैं तुझे रास्ता, सीधा ऊपर जाने का रास्ता. बड़ी हिम्मत है तेरे में छोकरे, भाई जी से पंगा ले लिया. तेरी तो मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा, खोपड़ी. देखो देखो, जाने दो मुझे. अगर इसे नहीं लेके गया तो मर जाएगी. इसे हॉस्पिटल ले जाने दो, प्लीज जाने दो. अच्छा, अभी तक जिंदा है ये? हाँ, इसकी सभी तकलीफें अब मैं दूर कर देता हूं. वापस जाते ही सर ये और इसके आदमी फिर से जंगल में और जंगल के आसपास कोहरा मचा कर रख देंगे. सात मासूमों की जान खतरे में, इसे छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं. और उन सात मासूमों की जिंदगी बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आ गए, वो भी समय से पहले. बड़ी जल्दी है मुझे आजाद करने की. ज्यादा मत उछल, अभी तू आजाद नहीं हुआ है. छोड़ना तो मुझे शाम को है, फिर सुबह सुबह मेरा क्या हालचाल पूछने आए हो? कमाल है, ये बात ऐसे कैसे पता चली कि हम लोग इसे छोड़ने वाले हैं? इसका मतलब है कि ये मतलब सर, ये हमला और किडनैपिंग अचानक नहीं हुआ, ये सब सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है. अबुर भी, ये कोई रिसोर्ट का ही आदमी है, वरना गुंडों को ये कैसे पता चलता कि ये सातों उसी वक्त उसी सड़क से जा रहे हैं? जब वो आदमी मक्कड़ से मिलने आता होगा तो इन कॉन्स्टेबल्स ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, शायद इन्हें कुछ पता हो. बुलाइए इन्हें. कांस्टेबल, इधर आओ. जी साहब. तुम दोनों के रहते मक्कड़ से मिलने यहाँ पे कोई आता था? हाँ साहब, कोई दूर का भाई था उसका. अच्छा, आपस में उनकी क्या बातें होती थी, कुछ तो सुना होगा, कुछ ऐसा सुना जो अजीब सा लगा हो? जी कुछ खास नहीं सर, वो इससे इसके हालचाल पूछता था और कभी कभी खाना भी लाता था और फिर बाद में चला जाता था. खाना? जी, किसी होटल से पैक करा के लाता था वो. मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है. अगर कोई भी भाई या रिश्तेदार किसी से मिलने जेल तक आता है तो उसे घर से खाना लेके आना चाहिए, वो होटल से पैक करा के क्यों लेके आएगा? क्योंकि फ्रेडी ये कोई भाई भाई नहीं है, बल्कि रिसोर्ट का ही कोई आदमी है जो इनके गैंग में काम करता है और टाइम टू टाइम इसे खबर देने आता था. अच्छा, तुम उसे पहचान तो लोगे ना? हाँ साहब, बिल्कुल पहचान लूंगा, हमने कई बार देखा है उसे. तो फिर रिसोर्ट चलते हैं, वहां जाकर यह पता चल जाएगा कि रिसोर्ट का कौन सा आदमी है जो इन सब में मिला हुआ है. लेकिन उससे पहले एक और काम निपटाना है. लगता है ढोल ताशों के साथ मेरी रिहाई करोगे. ये कौन है? सबर कर, सबर का फल बहुत मीठा होता है. तेरे जैसे को ना उम्र कैद की सजा नहीं देनी चाहिए, सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए. चुप! ये ऐसे नहीं सुधरेगा सर. तू मुझे मारेगा?
तुम अगर आज मेरी रिहाई नहीं होती तो सबसे पहले मैं तुझे मारता, यही तेरी जेल में, तेरी गोली से। यही पर तेरी जेल में। प्लीज एक मिनट संभालिए अपने आप को, ये भड़काने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहे हो? चल, क्या कर रहे हो? चल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और आप मेरे एहसास पर शक कर रहे हैं? बिना सबूत के हम पेड़ पौधों पर भी यकीन नहीं करते मिस्टर। सुनसान जंगल में यही एक रिसॉर्ट है, यहाँ पे किसी की भी दोस्ती हो सकती है डकैतों के साथ। यही के किसी आदमी ने उन्हें बताया है कि वैन उस तरफ आने वाली है। लेकिन सर अगर हम उनसे मिले हुए होते तो हम अब तक यहाँ क्यों रुकते, भाग जाते हम? देखिए किडनैपिंग अचानक हुई है। देख मेरे आदमी को रुकना मुश्किल है वरना मेरे हाथ से तेरी जान चली जाएगी। बता कहाँ है वो? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बता नहीं तो तेरी बीवी का भेजा उड़ा दूंगा। इसे कुछ मत कह, इसका कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर है। उसे भाई कुछ करो मत। भाई मेरी बात सुनो, कुछ करो मत। अगर आप इसे मार देंगे तो इसके साथ रात भी चल जाएगा। अगर इसको नहीं मारूंगा तो यह इसे मुंह नहीं खोलेगा। ठंडे दिमाग सोचो भाई, ठंडे दिमाग सोचो, कुछ करो मत। सोचिए चले जाओ, पर रुक उधर रुको। चले चले बेटा, कुछ काम करने के लोग, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम इनसे बता क्यों नहीं देते कि वो चीज है कहाँ? अरे मैं क्या बताऊँ इनको कि वो चीज है कहाँ, मुझे खुद नहीं पता। अगर हमें नहीं बताया दीदी तो ये लोग हमें मार देंगे। कुछ करो, कुछ करो। ये आवाजें कहां से आ रही? सुनिए सब लोग जल्दी बाहर आइए प्लीज। श्वेता, मिस्टर कुमार, अनिल, रवि, जल्दी बाहर आइए प्लीज। क्या हुआ? और ये आवाजें वहां से क्यों आ रही चिल्लाने? वो वहां सामने बंगले में कोई मुसीबत में है, चलो जल्दी। चलिए चलिए। चिल्लाने की आवाज़ें तो बहुत आ रही है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा, खोलिए। बचाओ, हेल्प, हेल्प, जाओ, जाओ, बचाओ, हेल्प। लगता है दरवाजा अंदर से बंद है, इसे धक्का मार के खोल देते हैं। हेल्प। ओ नो, किसने की तुम्हारी यह हालत? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप लोग आ गए और हमारी जान बच गई। घबराइए मत, अब आप लोग को कुछ नहीं होगा। दिनेश, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? मैं ठीक हूँ।
बाहर कोई नहीं लगता, भाग गए हो। पर वो लोग थे कौन? और इस तरह से आप दोनों पर हमला क्यों किया? हमें नहीं पता, हम तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते। घबराइए मत, मैं भी फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।